नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बने 3 महीने पूरे होने वाले हैं और किसानों का कर्ज अभी तक माफ नहीं किया गया है। बता दें कि किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाना था। अभी तक सिर्फ बैंकों से डिफॉल्टर किसानों की सूची ही जारी की गई है। दरअसल कर्ज माफी की राशि किसानों के केसीसी खातों में स्थानांतरित नहीं की गई है। समय पर कर्ज माफी ना होने से किसान खफा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4.5 लाख से अधिक आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। अब तक इस योजना में बिहार के 26.18 लाख किसानों आवेदन कर चुके हैं। आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने के लिए सभी अंचलों में कैंप लगाकर आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक करीब 2 लाख किसानों के खातों में पहली किश्त के रूप में 2000 की राशि भेजी जा चुकी है। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज केन यूनियन परिसर में एक गन्ना किसान की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसकी खेत में खड़ी गन्ने की फसल सूख रही थी और वो पर्ची के लिए चक्कर काट रहा था। मृतक के परिजनों का कहना है कि पर्ची ना मिलने से किसान सदमे में था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। किसान की मौत ने सरकार और सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। पश्चिम चंपारण के रामनगर चीनी मिल ने ट्रायल के लिए शुगरकेन हार्वेस्टर मशीन मंगवाया है। शुगरकेन हार्वेस्टर मशीन का ट्रायल सफल होने पर किसानों को गन्ने की कटाई और छिलाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिल को भी साफ व ताजा गन्ना उपलब्ध हो सकेगा। इस मशीन की कीमत 95 लाख है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट करीब 1.5 करोड़ का है। इस मशीन को चलाने के लिए किसानों से लेकर चीनी मिल के लोगों को आवश्यक बदलाव करना होगा। गेहूं में पीला रतुआ रोग से परेशान रहने वाले किसानों के लिए ये राहत देने वाली खबर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं विभाग के वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म WH 1384 तैयार की है, जो पीला रतुआ बीमारी का प्रतिरोधक है। राज्य सरकार की तरफ से इस किस्म की स्वीकृति भी मिल गई है, मगर अभी राष्ट्रीय स्तर पर इस किस्म का रिलीज होना बाकी है। विश्वविद्यालय के मेला ग्राउंड में आयोजित कृषि मेले में इस किस्म को किसानों को दिखाने के लिए प्रदर्शित किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस किस्म को किसानों तक पहुंचाने में 1 से 1.5 साल लगेगा। गेहूं उत्पादक किसान अब पुराने पंजीकरण पर भी सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। ऐसे किसानों को सिर्फ अपना पुराना पंजीकरण संशोधित करना होगा। किसान इसके लिए 31 मार्च तक पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए खाद्य एवं विपणन विभाग की वेबसाइट संचालित है। जनपद में सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य 1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने की शुरुआत होगी। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों को अगले 4 दिन में खरीदे गए गेहूं का भुगतान करना होगा। ये राशि संबंधित किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।